फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर डिज़ायर्स। आज हम बात करेंगे कि हम घर पे कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, एकदम लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस और बहुत ही अच्छी कंपोस्ट सॉइल की तरह भी यूज़ हो जाती है। क्योंकि आजकल जो है, आप जानते ही हैं कि हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो हमें सॉइल की बहुत प्रॉब्लम आती है। जिनको गार्डनिंग का शौक़ है उनको, उनके लिए जितने पॉट्स हों उतना कम, उतने कम रहते हैं, तो हमें ये भी मुश्किल आती है कि अब नेक्स्ट पॉट के लिए सॉइल कहाँ से लें। तो अगर हम घर पे ही अपने किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करें तो उससे हमें बहुत अच्छी कंपोस्ट सॉइल के रूप में मिल जाएगी, जिसे हम अपने पॉट में यूज़ कर सकते हैं। और उसका ये फ़ायदा है कि ये ज़्यादा, जैसे हमारी काउडंग मैन्योर है या बाकी कुछ होती हैं और इनऑर्गेनिक कंपोस्ट, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और गर्म होती हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो बर्न भी कर जाते हैं। पर ये जो है, ये इसको ठंडा माना जाता है, तो इस कंपोस्ट से हमारे प्लांट्स को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है, इनफैक्ट न्यूट्रिएंट्स ही मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने किचन में से किचन वेस्ट निकाला है। ये जो है ये ड्राई टी है, जो हम सुबह चाय बनाते हैं उसके बाद जो इसकी चाय पत्ती बच जाती है उसे पानी में से निकाल के साफ़ करके उसको ड्राई कर लिया है। अभी भी थोड़ी मॉइस्ट है, कुछ पोर्शन ये वाला हिस्सा मॉइस्ट है, बट इसको मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। अगर तो आपने इसको कंपोस्ट में डालना है फिर तो आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं जो ये अभी सिचुएशन है इसकी। अदरवाइज़ अगर आपने अपने पॉट में डालना है तो इसको बिल्कुल ड्राई करके दो डालिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको वॉश अच्छे से कर लेना है, ताकि इसमें से मिल्क कंटेंट या जो मीठा है वो बिल्कुल हट जाए, ताकि कीड़े ना आए। और ये हैं एग शेल्स, इससे कैल्शियम मिलेगा हमारे प्लांट्स को। तो ये हम अपने कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं या अपने पॉट में भी डाल सकते हैं। तो अभी तो मैं इसको अपने कंपोस्ट में ही डालूँगी। ये देखिए, हम इसको ऐसे क्रश कर लेंगे तो कंपोस्ट में ये अपने आप टाइम लेके डिकम्पोज हो जाएगा। कुछ लोग इसका पाउडर भी एकदम बनाकर वो भी यूज़ करते हैं, वो तो है, अगर आपने अपने पॉट में डालना है तो आप इसका पाउडर डाल बना सकते हैं। वैसे मैं तो इसको ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये फिर एरेशन का काम भी करते हैं और अपने आप स्लोली डिकम्पोज होते हैं, तो वो भी ठीक है कि एकदम से नहीं मिलता है। दोनों तरह से आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। और ये मेरा किचन वेस्ट है, ये देखिए कॉर्न जो हम लाते हैं उसके छिलके हैं ये, फिर ये बनाना का छिलका है, और ऐसे ही कुछ वेजिटेबल्स के स्क्रैप हैं, किचन वेस्ट स्क्रैप है वो है। ये मैंने अपने गार्डन में कुछ प्लांट्स की प्रूनिंग की थी तो उसमें से ये वेस्ट निकला था, तो ये मैंने अभी सूखने के लिए रखा हुआ है इसमें। तो ये काफ़ी हद तक वैसे सूख गया है, बट अभी भी ये जो है ये ग्रीन है, बट मैं इसको अब कंपोस्ट में डाल दूँगी। ऐसे ही ये कॉर्न के छिलके और कुछ, कोई एक मिर्ची का प्लांट था वो मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने उसको ऐसे रख दिया था निकाल के, तो वो भी ड्राई हो गया है, तो इसे भी मैं अब कंपोस्ट के लिए यूज़ कर लूँगी। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ये मेरा वीट बैग है, जो हमारा आटे का लिफाफा जो है वो खाली हो जाता है, उसको फेंकने की बजाय उसको मैंने दूसरी साइड से निकाल के प्लेन वाली साइड बाहर कर ली है। और इसमें अभी मैंने होल्स नहीं किए हैं, तो इसमें मैं अपनी कंपोस्टिंग करूँगी। वैसे मैंने बिन में भी ट्राई की थी, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसको मैनेज करना बहुत ही टफ़ हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने ये आइडिया, मुझे बेस्ट लगा कि इसमें मैं इसमें लगा दूँगी और उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना कोई प्लांट लगा दूँगी। कम स्पेस में जो है वो कंपोस्टिंग बिन और ये सब रखने का बड़ा दिक्कत रहती है, और फिर उसमें से जब स्मेल आने लगती है या कीड़े हो जाते हैं तो वो भी फिर, अगर आपके पास कम स्पेस है तो बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आपकी बालकनी छोटी है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि अपना कोई पॉट हो, अगर उसमें भी मुझे सॉइल डालनी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें पहले मैं
अब नीचे कंपोस्ट डाल के, किचन वेस्ट डाल के ऊपर से सॉयल डाल देती हूँ और प्लांट लगा देती हूँ, तो उससे मेरी फिर कंपोस्ट भी तैयार हो जाती है, मेरे सॉयल का भी पर्पस सॉल्व हो जाता है और मेरा प्लांट भी लग जाता है, और उस केस में कोई स्मेल भी नहीं आती है क्योंकि एरोबिक डिकम्पोजिशन होती है, एयर उसको मिलती रहती है। तो इसमें मैं स्टार्टिंग में क्या करूँगी, कुछ सॉयल जो है इसमें पहले डालूँगी। इसमें मैंने एक लेयर पहले सॉइल की डाल दूंगी, उसके बाद अब इसमें मैं ड्राई कंपोस्ट, ड्राई जो अपना स्क्रैप है वो बेस डालूंगी। फ्रेंड्स मैंने एक लेयर इसमें ड्राई की डाल दी है, अब एक लेयर मैं इसमें वेट की डालूंगी। अब इसमें मैं अपने घर की कंपोस्ट डालूंगी, होपफुली आपको दिख रहा होगा। अब मैंने जो पहले कंपोस्ट अपनी तैयार की हुई है उसकी एक लेयर डालूंगी, जिससे कि लेयर वाइज लेयर इसमें डिकम्पोजिशन होती रहे। अब मेरे पास एक वेट किचन वेस्ट, अपने किचन का एकदम ताज़ा किचन वेस्ट है, वो भी अब मैं इसमें डाल दूँगी। इसका फ़ायदा है कि गोबर जो है वो बहुत बड़े होते हैं, इसको काफ़ी भर सकते हैं। आप पेपर के टुकड़े भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने दूसरी लेयर फिर ड्राई की डाल दी है, फ्रेंड्स इसमें मैंने ये ड्राई वाला कंपोस्ट भी डाल दिया, सॉरी कंपोस्ट का नहीं, किचन वेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसमें एग शेल्स और ये ड्राई टी लीव्स भी डाल रही हूँ। तो आप सोचिए इसमें कितना न्यूट्रिशन होगा, इसमें कंपोस्ट कितनी वैल्यूएबल होगी हमारे प्लांट्स के लिए, जिसमें हर चीज़ गई है। अभी जो हमने घर में कंपोस्ट तैयार की थी वो डालने का ये फ़ायदा है कि उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं। तो इसके ऊपर से फ्रेंड्स अब हम सॉइल डाल देंगे, अपनी गार्डन सॉइल ऊपर, ताकि स्मेल ना आए और कीड़े भी ना हों। सॉइल डालने से फ़ायदा है कि एरिएशन तो नीचे जाता रहेगा, हवा तो नीचे जाएगी, तो उससे स्मेल नहीं आएगी और डिकम्पोजिशन होने में भी आसानी होगी। अगर हम इसको पूरा कवर कर देंगे तो वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है, जिस केस में कीड़े तो नहीं होते हैं बट स्मेल ज़रूर उसमें बहुत होती है। फ्रेंड्स इसमें मैं दो तरह से अब कर सकती हूँ, कि मैं इसमें या तो होल कर दूँ और नीचे जो है ट्रे रख दूँ, जिससे कि जो वो जो वाटर निकलता है, लिक्विड निकलता है, वो वहाँ उसमें इकट्ठा होता रहेगा कंसंट्रेट, और उसे मैं अपने किचन में यूज़ कर लूँगी। बट वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ा स्मेली सा होता है। तो मैं इसमें अभी यही करूँगी कि मैं इसमें होल्स नहीं करूँगी और मैं इसमें पानी भी नहीं दूँगी। इसमें मैंने जो इसमें फ्रेश किचन वेस्ट है वो ही इसमें मॉइस्ट है, तो उससे ही मॉइस्चर इसमें बना रहेगा, और ऊपर सॉइल है तो ये देखिए अब इसमें स्मेल भी नहीं आएगी, ये अंदर ही अंदर डिकम्पोज होता जाएगा।
और अगर मुझे कोई प्लांट लगाना होगा तो मैं इसके ऊपर एक अपना कोई प्लांट लगा दूँगी। मेरा पॉट तैयार हो जाएगा और नीचे जो है वो किचन वेस्ट जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट होता रहेगा, तो मेरे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही आप अपने जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं उसमें या कोई भी न्यू पॉट में आप यही तरीका अपना सकते हैं कि नीचे सॉइल डालकर उसके ऊपर सॉइल के ऊपर की लेयर किचन वेस्ट की डालकर थोड़ा ड्राई वेस्ट डालकर और ऊपर फिर ऊपर एक काफ़ी थिक लेयर सॉइल की डाल दीजिए और उसमें प्लांट लगा दीजिए। तो जब आप उसको वाटरिंग करेंगे तो नीचे अब उसको भी पानी मिल जाएगा और एयर भी उसको मिलती रहेगी, तो वो जल्दी डिकम्पोजिशन हो जाएगी और आपको सॉइल कंपोस्ट जो है वो घर पे ही मिल जाएगी और कोई स्मेल और उसकी भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं अपने सभी पॉट्स को फिल करती हूँ किचन वेस्ट कंपोस्टिंग से। तो आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।